Donald Trump. Mr. Donald Trump, the floor is yours, sir. दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा अमरीका का मिशन। दुनिया में अमन पहली तरजीह है, ऐसा इत्तेहाद बनाना है कि नस्लें महफूज रहें। डोनाल्ड ट्रंप का अरब इस्लामिक अमरीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमरीकी सदर का अमन के लिए सऊदी कोशिशों को खराज तहसीन। इस्लामी दुनिया के साथ मिलकर चलने के अज़्म का इजहार। अरब इस्लामिक अमरीका कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान अमरीकी सदर की शाम और ईरान पर शदीद तंकीद। डोनाल्ड ट्रंप बोले, मशरिक़ वुस्ता में दहशत गर्दी की महफूज पनागाहें हैं, खत्ते में कशीदगी का जिम्मेदार ईरान है। तेहरान के पास न आने तक तमाम ममालिक उसका बॉयकॉट कर दे। India, Russia, China, and Australia have all been victims. But in sheer numbers, the deadliest toll has been exacted on the innocent people. भूलने की बीमारी या सियासी फनकारी। ट्रंप के खिताब में दहशत गर्दी के शिकार ममालिक का जिक्र, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, भारत का तस्करा। बोले, दहशत गर्दी का शिकार 95% मुसलमान है। दुनिया के बड़ों ने इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सऊदी अरब में सर जोड़ लिए। डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम नवाज शरीफ समेत 55 ममालिक के सरबराहान अरब इस्लामिक अमरीका कॉन्फ्रेंस में शरीक। दहशत गर्दी पूरी इंसानियत के लिए खतरा। दुनिया में अम के लिए मुश्तरका जदोजहद करना होगी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का इफ्तिताही खिताब। केस में वजीर आजम के बच्चों के वकील अकरम शेख भी अरब इस्लामिक अमरीका कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी अरब में मौजूद। कतरी खत पेश करने वाले कानूनदान किस हैसियत में गए? सरकारी सतह पर खामोशी। अकरम शेख सरकारी वक्त में शामिल नहीं, तर्जुमाने वजीर आजम हाउस की वजाहत। पनामा का हंगामा कल से फिर शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने नया रोस्टर जारी कर दिया। जीआईटी से मुताल्लिक खुसूसी बेंच दोपहर 1 बजे समाप्त करेगा। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। हैदराबाद में एमकेएम पाकिस्तान की हुकूक रैली। लिबर्टी चौक पर मुत्तहिदा लंदन के कारकुनों से आमना सामना। एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। कराची और हैदराबाद के लोग मिलकर वडेरों को घर भेजेंगे। फिर वजीर आला हाउस एमकेएम के पास होगा। फारूक सत्तार का शुरका से खिताब। बिजली, पानी और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सखर में धरना। शहर भर में इस्तकबालिया कैंप, जियालों की नारेबाजी। नवाज शरीफ आवाम से झूठ बोलकर इक्तदार पर काबिज हुए। आवाम से मुआफी मांगे, खुर्शीद शाह फिर बरस पड़े। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग काफ का पावर शो। परवेज इलाही ने तनकीदी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। बोले, कुलभूषण यादव पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ सरगर्म था। नवाज शरीफ भारतीय जासूस के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोले। पनामा केस में पूरा शरीफ खानदान काबू आ गया। अगले वजीर आजम इमरान खान ही होंगे, परवेज खटक ने बड़ा दावा कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बशाम शांगला में जलसा। सियासी मुखालफीन पर तनकीद, कहते हैं जरदारी, रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर अरबपति बने। एएनपी ने अपने दौर में पैसे लेकर नौकरियां बांटी। कराची में एएनपी की रैली। असफल यार वली और मियां इफ्तिखार समेत मरकजी रहनुमा शरीक। कारकुनों की बड़ी तादाद भी क़यादत के शाना बशाना। रहनुमाओं की आमद के दौरान कारसाज से मलीर तक ट्रैफिक जैम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सवात में बरीकोट ब्रिज स्टेशन के इफ्तिताही तकरीब में बदनज़मी। मुस्लिम लीग नून और एएनपी के कारकुनों में तसादुम, कुर्सियां चल गईं। अवामी नेशनल पार्टी का एक कारकुन जख्मी।
कराची में एक और आग से तबाही। साइट एरिया की प्लास्टिक फैक्ट्री लपेट में आ गई। केएमसी के 6 और नेवी के 2 फायर टेंडर्स को आग पर काबू पाने में 6 घंटे लग गए। दो करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर कराची में आग पर काबू पाने के इंतजामात ना होने के बराबर। फायर ब्रिगेड के पास 48 फायर टेंडर्स में से सिर्फ 10 काबिले इस्तेमाल, ज्यादातर गाड़ियां खराब। आग पर काबू पाने के लिए फोम भी दस्तियाब नहीं। कराची के इलाके धोराजी के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिंध पुलिस की जानिब से मुलजिमों की इत्तला पर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वाकई की शदीद मुजम्मत। कराची और लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी रेसलिंग मेला। 20 ममालिक के 25 पहलवान दाव पेच आजमाने को बेताब। शाकिन का जोश खरोश भी दीदी रिंग में उतरने से पहले पहलवानों के शहरे इंतदार में सैर सपाटे। उमर अकमल फिटनेस टेस्ट पास ना कर सके, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में शिरकत मशकूक। सिलेक्शन कमेटी कल हतमी फैसला करेगी। टीम मैनेजमेंट ने क्रिकेट कोच को आगाह कर दिया। कहीं रिमझिम कहीं मी बरसात छमाछम, मौसम ने लियंगड़ाई तो गर्मी की शामत आई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं छा गईं, ठंडी हवाएं पारा गिर गया। शहरियों के दिन भर मौज मस्ती, छुट्टी का मजा दोबाला हो गया। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में जाँ बहक तालिब इल्म मशाल खान का चहलुम, लोगों की फातह खानी। कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई, सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। चीन के वाटर पार्क में लोगा वेल्स के शानदार करतब, देखने वाले देखते ही रह गए। वेल्स ने दिल की शक्ल बनाकर शायकीन के दिल मोह लिए।